बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग दोस्तों होने वाला है ट्रेवल का ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे अभी हैदराबाद और दानापुर से खुलते हैं सिकंदराबाद। हैदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसमें स्लीपर कोच में जा रहे हैं, तो आज ट्रेवल वाला ब्लॉग होने वाला है और दिखाते हैं कि स्लीपर कोच का क्या व्यवस्था है और किस तरह का अरेंजमेंट, और चलते हैं नया मस्ती में। दानापुर से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन अभी हर दिन चलता है दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो इसी से जा रहे हैं हम हैदराबाद। और टाइम हो गया लोगों, 12:15 में खुलने का टाइम है दोस्तों, 12:00 का टाइम हो गया। चलिए चलते हैं, और हम लोग जा रहे हैं स्लीपर कोच में, दिखाते हैं आपको मज़ा स्लीपर कोच का। यहाँ पर मेरा सीट, हमारा पार्टनर का सीट, पार्टनर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। एसी नहीं है, स्लीपर ही है, लेकिन एग्जॉस्टर देना चाहिए ना। ये देखिए पूरा भरा हुआ है, और ये झूठ मूठ का खाली है दोस्तों, झूठ मूठ का खाली है, भरा होना चाहिए। क्या है दोस्तों कि स्लीपर जो है ना पूरा खाली है, और वहाँ पे वेटिंग 250-300 का दे रखा है, ये सब फौसबाजी हो रहा है यहाँ पे। और आइए, और टीटी से टिकट बने या 500 रुपया फोकट का फूकी है, यहाँ कुछ यही सीन हुआ है। देखिए कि पूरा बोगी खाली है, लोग जनरल लोग भरा हुआ है इसमें, तो रेलवे डिपार्टमेंट का ये कुछ कुछ फ्रॉड जो नज़र आ रहा है फिलहाल में। देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक स्लीपर सिर्फ जनरल लोगों से भरा हुआ है, और यहाँ पे खाली है, और जाकर के टीटी से बनवाइए और 500 रुपया फोकट का फूकी है, एकदम यही है धंधा बना हुआ है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और कल रात में इतना ज़्यादा थके थे कि सो गया था, तो कुछ वीडियो दिखाने पे बना नहीं पाया किधर से। अभी हम होटल में रुके हैं जस्ट स्टेशन के सामने सिकंदराबाद में, तो यहाँ से निकलना है सीधा ऑफिस के लिए, तो निकलते हैं और दिखाते हैं कि भाई मतलब यहाँ का शहर कैसा मॉर्निंग में व्यू दिखता है। तो चलिए चलते, देखिए ये मेरा होटल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये मेरा होटल है, थोड़ा सा टीवी वी का व्यवस्था दिया गया, तो ये बेड था और काफ़ी अच्छा था, नहा तो मस्त फ्रेश हो गया था, मतलब ठीक था। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद का स्टेशन टी शर्ट बस है, और इसी के साइड में रेलवे स्टेशन भी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेट्रो एक्सप्रेस चलता है जो सरकारी बस है। यही होटल है जो हम लोगों ने स्टे किया था, ये है दोस्तों मेट्रो स्टेशन जो ऊपर में दिख रहा है। और अभी मैं हूँ सिकंदराबाद के जस्ट स्टेशन के पास ही, जिसमें मेट्रो सुविधा है, ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस के पास, और सामने जो देख सकते हैं वो मेरा ऑफिस है, और चलिए मैं दिखाता हूं कि मैं किस जगह काम करता हूं और मेरा कहां पे नौकरी हुआ है। चलिए मैं पहले बाहर से दिखा देता हूं कि क्या उसका सीन है, मतलब किस तरह से बाहर से दिखता है, कितना बड़ा कैंपस है। देख रहे होंगे दोस्तों कि सारा कैंपस जो है ना वो एक ही कंपनी का है, जो कि है इन्फोसिस, और मेरा जो कंपनी में सिलेक्शन हुआ है वो इन्फोसिस प्रोजेक्ट में मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा अंदर में है। मैं गया था 20 का ज्वाइनिंग है मेरा, और देख सकते हैं कि बहुत अंदर में फैला हुआ, लगता है 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मेरा ब्लॉक बी में है, 18 नंबर फ्लोर पे। तो ये कुछ सीन है दोस्तों, चलिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये मेन गेट, वहाँ पहुँचे तक कैमरा अलाउ नहीं होगा, मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ गेट के पास, किस तरह का सिक्योरिटी व्यवस्था है। अंदर में बहुत कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस के अलावा, जो बहुत सारा प्रोजेक्ट इन्फोसिस रन कर रहा है, इसीलिए इतना बहुत ज़्यादा कैंपस में बना रखा है।
फार्मेसी डिपार्टमेंट है और HP डेल लेना वो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन हो गया, ढेर सारे का ज्वाइनिंग है। तो अंदर में मोबाइल ले जाने के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं गया था सिलेक्शन हुआ था, तो जॉब ऑफर लेटर के बाद जाकर के सब कुछ सबमिट करना होता तो गया था, तो मैं देखा था बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है दोस्तों, बहुत जगह चेक हो गया। यहाँ से जाने के बाद मेन गेट पे ही मेन गेट के बाद थोड़ा जाओ, बायोमेट्रिक भी लगा हुआ, सारा कुछ अवेलेबल है, मतलब कि क्या हम कर सकते हैं वहाँ, यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो कि आप छूट सकते हैं, 10 जगह सब कुछ चेकिंग होगा। अंदर टनल है, फल इधर उधर सारा कुछ है, तो हम दोनों का एक ही जगह का हो गया है। इनको तो हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, साथ में दोनों एक ही जगह पर आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे गेट किस तरह का है। फिर देख सकते हैं दोस्तों, इसका PG है जो कि यहीं के लोग जो काम वाम करते हैं। यहाँ पे जेनपेट का भी बहुत बड़ा एक ऑफिस है, जेनपेट का तो काम करते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस है और लॉज वगैरह, तो सारा लोग काम करके यहीं पे स्टे करते हैं। तो वो भी दिखाऊंगा, मैं भी PG में रह रहा हूँ तो वो भी दिखाऊँगा मैं थोड़ी देर में। यही दोस्तों मेन गेट देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है, सामने में कैमरा, इधर कैमरा, उधर कैमरा, चारों तरफ कैमरा। ये दोस्तों मेन गेट इन्फोसिस का, और इसी में है हमारा वर्किंग एरिया, तो अभी तो घर नहीं जा सकते हैं, बंद है। तो चलिए PG की तरफ चलते हैं, इधर मेरा PG, यहाँ जितना भी देख सकते हैं सारा लोग PG में ही रहता है, लोग अपना जॉब किया बगल में आ गया, खाना पीना रहना आराम हो गया, और PG भी अच्छे क्वालिटी का है। ये दूसरा मेरा PG जिसमें मैं रहता हूँ। चलिए मैं रूम दिखाता हूँ, 104 रूम में रहता हूँ, किस तरह की व्यवस्था है रूम में। फर्स्ट फ्लोर पर मेरा लॉज है, PG है, पानी की व्यवस्था और इंटरनेट का व्यवस्था भी पूरा है, और ये रहा मेरा PG। ये मैं कॉल करता हूँ, ये दिया हुआ है मेरे पास, और ये दोस्तों मेरा PG, इधर बाथरूम है, और ये बाहर से आने वाला व्यूज जिधर से हम आए खिड़की उधर ही खुलता है, और ये है रूम, 2 बेड है, यानी 3 बेड दिया हुआ है, पर 2 लोग हम यूज करते हैं, और कवर्ड दिया हुआ है, LED लगा हुआ है, तो ये कुल मिलाकर दोस्तों हमारा PG, और इस तरह का लाइटिंग व्यवस्था है, ऊपर में चारों तरफ लाइट लगा हुआ है। तो कुल मिला के यही है दोस्तों कहानी अभी, तो अंदर जा नहीं सकते थे इसीलिए तो बाहर से ही दिखा दिए। गेट खोलने के बाद बाहर का दृश्य जो कि आप इसी रास्ते से आए हैं, और यहीं जब बस 10 कदम की दूरी पर इन्फोसिस का कैंपस है, जो ऑफिस है मेरा, वहीं पर जाना होता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, अंदर का वीडियो अगर पॉसिबल होता है, अगर मोबाइल अलाउ होगा तो ज़रूर वीडियो लाऊंगा मैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगर जो भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।